दिल्ली के शराब मंत्री रहे और दिल्ली के और कई मंत्री रहे, डिप्टी सीएम भी रहे मनीष सिसोदिया के, गिरफ्तारी के बाद ऐसा लगता है जैसे भ्रष्टाचारियों में एक ऐसी दहशत दिख रही है कि वो जो लोग कभी अन्य भ्रष्टाचारियों को गाली देते रहते थे, आज वही अरविंद केजरीवाल उन्हीं भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे लोगों को गले लगाने के लिए बहुत आतुर दिख रहे हैं। अभी 9 अलग अलग लोगों ने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है जिसमें मनीष सिसोदिया के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके विरोध में स्वर उठा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि ये कौन लोग हैं जो पत्र लिख रहे हैं? जब आप उनके अलग अलग नामों पे जाएंगे, हमें पूरा विश्वास है कि पत्र आपके पास होगा, उन नामों का जब आप अध्ययन करेंगे तो इसमें जो नाम है 9, उसमें एक तो स्वयं अरविंद केजरीवाल ही है और बाकी जो है उन सभी को अरविंद केजरीवाल गाली देते रहे, बाकी जो है उन सभी को अरविंद केजरीवाल उनसे हाथ मिलाने में भी, उनके साथ फोटो खिंचवाने में भी बहुत आपत्ति दर्शाते थे और स्थिति यह होती थी कि जिस लालू यादव जी के साथ एक बार उनकी तस्वीर आ गई तो उस तस्वीर अचानक आ गई, हम खड़े नहीं थे, बस किसी तरह आ गई, ऐसा वो बयान दिए थे और वो सब आप मीडिया के फोरम में और देश के सामने ये पता है। और बाकी जो नाम है उनका भी जब आप अध्ययन करेंगे तो सभी लोग बड़े भ्रष्टाचार के केस में आज भी केस चल रहे हैं। हम उनकी व्यक्तिगत रूप से चर्चा आज नहीं करेंगे, सबको पता है कि ये लोगों के ऊपर क्या क्या केस चल रहा है। कानून अपना काम कर रहा है और जो भी सच्चाई होगी, पार्टी का कहना कि वहां पे हमारे ही पार्टी के व्यक्ति को जो भ्रष्टाचार के आरोप में उसकी जान को खतरा है, तब मुझे लग रहा है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ी साजिश। वो साजिश ये है कि मनीष सिसोदिया के पास अरविंद केजरीवाल के राज है और वो राज उगल लेते मनीष सिसोदिया या कह लेते, इससे डरे हुए अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को जान से मारने की साजिश कर रहे हैं क्या? उनको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? जेल दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के ही जेल में मनीष सिसोदिया की जान को खतरा, ये इशारा क्या कर रहे हैं? तब हमें कहना पड़ता है कि ये अरविंद केजरीवाल जिस स्तर तक की नकारात्मकता और साजिश रखते हैं, इसके आधार पे ही इनको कहा जाता है कि ये झूठ के चैंपियन और साजिशों के मास्टर है। मनीष सिसोदिया की सुरक्षा बढ़ाया जाए,